सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। आज जो यहाँ प्रोग्राम हुआ है मैनपुरी में, ये महिला संगठन निर्माण और विस्तार के लिए किया गया है। आज हमारा एक जनसंवाद दिया था महिलाओं के साथ और हमारे यूथ के साथ। और ऐसे तो उत्तर प्रदेश में आप महिला शक्ति को जोड़ने के लिए पूरा दौरा चल रहा है मेरा, और जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में जो हालात चल रहे हैं महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर के, उसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। निरंतर हम लोग लखनऊ में लाठियां खा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी, महिला शक्ति उत्तर प्रदेश अपने अपने जिलों में सबसे जो आज दिल्ली के बॉर्डर पर 2 डिग्री टेम्परेचर पर आज बैठे हुए हैं, अपनी खुशी से नहीं बैठे हैं, वो अपनी जायज मांग के लिए बैठे मिशन शक्ति है, वो भी विफल हो चुका है। क्योंकि ये जो मिशन शक्ति है, छलावा था, एक ढोंग था, और इसके योजना ये लागू करने के बाद भी बहुत सारे महिलाएं और बच्चों के साथ जगन अपराध और घटनाएं हुई हैं। अभी हाल में ही देखिए आतरस में जो कांड हुआ, बदायूं में भी 50 वर्षीय महिला के साथ मंदिर परिसर में महंत के लोगों के साथ उनके साथ बलात्कार हुआ, उनका शरीर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। और जब थाने में पीड़ित परिवार जाता है तो उनकी सुनवाई भी नहीं होती है। तो इस तरह की जो उत्तर प्रदेश में जो हालात महिलाओं और बच्चियों के साथ सुरक्षा को लेकर के, और जैसे युवाओं को जो रोज़गार नहीं मिल रहा है, जो किसान की आज जो हालात है वो बस से बदतर होती जा चुकी है। आप देखिए दिल्ली के बॉर्डर पर किसान अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहा है, और पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी योजना को लागू नहीं किया गया है, न कोई विकास कार्य किए गए हैं। चुनाव तत्काली से लड़ेंगे, और हमारे मुखिया जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने ये ऐलान किया कि हम 2022 चुनाव भी लड़ेंगे। तो जो दिल्ली का मॉडल है वही मॉडल हम लोग उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे, जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और महिला सुरक्षा को लेकर के हम लोग उत्तर प्रदेश में वही मॉडल लागू करेंगे। अभी जिला पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, हर गाँव में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी, और हम बहुत दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। जिला पंचायत हमारे कैंडिडेट भी आधे से अधिक फाइनल हो चुके हैं। हमारे दिल्ली के जितने 50 विधायक हैं वो भी लगा दिए गए हैं, वो जनसंवाद कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर संपर्क कर रहे हैं। जिला पंचायत चुनाव लड़ने के बाद हमारा विधानसभा मजबूत होगा और हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम यादव है, मैं उत्तर प्रदेश की महिला अध्यक्ष हूँ। हर्ष प्रताप सिंह, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ यूथ आम आदमी पार्टी। हर जी बताइए, जो पंचायत चुनाव आने वाले हैं इसको लेकर किस तरह की क्या तैयारी चल रही है? देखिए, इसमें पूरी तरह से जो संगठन हमारा आम आदमी पार्टी का है, वो गांव-गांव जाके, घर घर जाकर के, पहले तो आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार की जैसी जो नीतियां हैं उन नीतियों के बारे में उनको अवगत कराया जा रहा है। उसी के बिहाव पे जब उनको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, उसी से जो हमारा संगठन है वो मजबूत भी होता जा रहा है दिन ब दिन, और उनके आगे जो आगामी चुनाव है हमारा पंचायत का, उसको भी मजबूती बहुत अच्छी मिल रही है। जितने भी हमारे प्रतिनिधि खड़े हो रहे हैं वो सब सेवादार के रूप में खड़े हो रहे हैं, जैसे कि उनको नियुक्त किया गया है। जिस तरह की राजनीति यहाँ उत्तर प्रदेश की है, उस तरह की राजनीति के धड़े में हम नहीं सकते। हम सेवादार ही यहाँ पे लेकर के आए हैं, जैसे कि दिल्ली में जितने सेवादार हैं वही सेवादार यहाँ लेकर आए। पहला चुनाव होगा आपका ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में, कितना भरोसा है आपको आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ता? अपने कार्यकर्ता और अपने पे तो ये भरोसा है कि देखिए ये एक ऐसी सुनामी है जिसमें बड़े बड़े पुराने दिक्कत हैं वो भी इसमें फंस करके बह जाएंगे। ये आम आदमी पार्टी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, आम आदमी पार्टी हर जनमानस की आवाज़ है, और जनमानस की आवाज़ लोकतंत्र में दबा ले जाना तो बहुत बड़ी बात है, तो ना उनकी चीज बात समझ। दिल्ली में जो वादे किए थे आपने, जो बिजली वगैरह के, वो क्या उत्तर प्रदेश में भी सब चीज़ें लागू होंगी? बिल्कुल 100% लागू होंगी, और ये समझ लीजिए कि ये बाकी पार्टियों की तरह नहीं है कि जितने मैनिफेस्टो में चीज़ें आती हैं उनमें से मैनिफेस्टो में अगर 100 आई हैं तो 100 में से केवल 2 या 1 पूरी होती है। आम आदमी पार्टी उनमें से है कि अगर उसने 10 मैनिफेस्टो में अपनी चीज़ें दी हैं तो 10 की 10 पूरी होती हैं, हालांकि उसमें से 2 बाद में बढ़ा देते हैं कि हम ये भी बढ़ाने वाले थे पर हम उसमें लिख नहीं पाए थे, हम ये भी पूरी कर देते हैं। ऐसी है आम आदमी पार्टी। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुँच जाएँ।